जयपुर ग्रेटर नगर निगम वार्ड नंबर 7 में चलाया गया स्वच्छता अभियान पार्षद संतोष अग्रवाल व टीम 7 के द्वारा रोजाना सुबह 8 से 9 तक सफाई अभियान चलाया गया। वहीं एक महिला पार्षद के जज्बे को पूरा वार्ड सलाम कर रहा है और श्रमदान में उनका सहयोग कर रहा है। महिला पार्षद की इस पहल से पूरे वार्ड में जागरूकता आई है। वार्ड नंबर 7 पार्षद संतोष अग्रवाल ने बताया कि उनके वार्ड को स्वच्छ बनाना उनका सपना है, वह अपने सपने को साकार करके रहेंगी। नवबारा समाचार जयपुर राजस्थान से महेश बागड़ा की रिपोर्ट। सफाई नगर निगम से बोल रही हूँ, वार्ड नंबर 7, और यहाँ पर सफाई कार्य कर्मचारियों के द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से यहाँ सफाई कार्य नहीं हुआ था। मेयर मैडम के निरीक्षण के बाद में और अधिकारियों के आदेश के बाद यहाँ पे निगम कर्मचारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी कर्मचारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। सफाई का कार्य यहाँ कई दिनों से नहीं हो रही थी, आपने देखा है आपने? जी जी, यहाँ पहले काफ़ी सर सफाई तो होती थी, लेकिन क्या है कि आम जनता यहाँ डिवाइडर पे आके अपना कचरा थ्रो करती थी। तो मैम, इस पे अपने नगर निगम कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सर कार्रवाई भी हो रही है, कार्य भी हो रहा है, लेकिन आम जनता से समझाइश भी जा रही है। अच्छे के लिए देख रहे हैं कि अब शायद जनता यहाँ पे कचरा डालना बंद करे। मैम, ये आपने जो सफाई करवाई कहाँ से लेकर कहाँ तक करवाई है, कितने दिन आपका ये खाटू श्याम जी रोड से 5 नंबर से लेकर और बाईपास पुलिया तक? आज वार्ड नंबर 7 नगर निगम जयपुर ग्रेटर में सफाई अभियान चल रहा है। करीब इस बैरीगेट में 3 साल से कोई सफाई कार्य नहीं हुआ, तो आज हमारे वार्ड के SI जमादार जी सब मिलके कड़ी मेहनत करके इसको साफ सफाई कर रहे हैं। और सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि कृपया इन बैरीगेट्स में कचरा नहीं डालें। ये नगर निगम के अंडर में, JDA के अंडर में आता है, फिर भी नगर निगम के कर्मचारी सफाई बतौर इस कार्य को कर रहे हैं। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी गंदगी नहीं डालें।